गजेंद्र जी 14 में जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से 19 में जीते थे और उससे ज़्यादा वोटों से अभी 2024 में जीतने वाले हैं। अब की बार जनता ऐतिहासिक जीत दिलाएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 400 पार। जोधपुर के सांसद और अभी हमारे प्रत्याशी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज नामांकन किया है। उनके नामांकन की सभा में मैं आज यहाँ आया था। मैं जोधपुर के सभी नागरिकों को, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा विशाल आयोजन नामांकन में हुआ है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि गजेंद्र जी 14 में जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से 19 में जीते थे और उससे ज़्यादा वोटों से अभी 2024 में जीतने वाले हैं। राजस्थान की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, 2014 में भी, 2019 में भी और 2023 में भी उन्होंने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान 25 सीट तो जीतेंगे लेकिन अब की बार जो मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है कि अगर हमारा विकास कहीं निहित है तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें निहित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में उनका विश्वास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और जनता गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ने से, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जनता उस पर मोहर लगाएगी और मोहर ही नहीं, अब की बार जनता ऐतिहासिक जीत दिलाएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 400 पार हमारी सीट आएंगी, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। उन्हें आप सभी को धन्यवाद। महिलाओं को सर 5 सीटें दी है, कांग्रेस ने 3 ही दी है, इस स्थिति को देखकर कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस वालों से पूछेंगे तो ठीक रहेंगे, वो ठीक से जवाब। भाजपा ने 5 महिलाओं को आज स्थिति देख रहे हैं, कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है वो ज़्यादा क्या कहना है। देखो, जिनकी नीति नियत साफ नहीं होगी उनका ऐसा ही होगा। हमने धीरे धीरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण की बात की, उससे पहले ही हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं।